हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू ऑल होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी तो फ्रेंड्स हमने टेंथ क्लास में हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर पे सेकंड चैप्टर का नेम क्या है पोलिनोमियल पोलिनोमियल तो पोलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए ना पोलिनोमियल होती क्या है तो so, पोलिनोमियल क्या होती है पोलिनोमियल इज एन एनर्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल कॉन्स्टेंट एंड अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अब वेरिएबल क्या होते हैं जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है वेरिएबल जो वेरी करते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है जैसे एक्स वाई जेड हैं इनकी वैल्यू फिक्स थोड़ी ना होती है एक्स एक वैल्यू को तो रिप्रेजेंट नहीं करता एक्स के अंदर तो बहुत सारी ये तो बहुत सारी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सक कर सकता है एक्स को हम जनरली एक के लिए प्रूव कर देते हैं तो हम क्या कह देते हैं कि वो सारे के सारे रियल नंबर के लिए क्या है हमारा ट्रू अगर रियल नंबर में बात कर रहे हैं तो ठीक है फ्रेंड तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ ये इनकी वैल्यू कॉन्सें फिक्स नहीं है हमारी तो वेरिएबल प्लस कॉन्सटेंट कॉन्स्टेंट मीन्स जितने भी हमारे नंबर हैं जितने भी हमारे नंबर हैं चाहे वो रियल नंबर हैं चाहे वो रैशनल नंबर है चाहे इ नंबर किसी भी टाइप के नंबर उनकी वैल्यू फिक्स होती है अब हम नेचुरल नंबर वन का नहीं मिल लेते हैं अब वन की वैल्यू तो वन ही रहेगी ना चेंज तो नहीं होएगी ये तो नहीं है ना कि एक टाइम वन की वैल्यू वन है और एक टाइम वन की वैल्यू टू हो जाएगी लेकिन एक्स वाई जेड की वैल्यू चेंज हो जाती है कई बार हम एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी कहीं किसी जगह पे वन मिल जाएगी किसी जगह पे टू थ्री फोर फाइव अप टू कुछ भी मिल सकती है हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू तो ये क्या हमारे वेरिएबल जो वेरी करते हैं जिसकी वैल्यू वेरी करती है अब नेक्स्ट क्या है अल्जैब्रिक स्ट्रक्चर तो ये अल्जैब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है जो हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीज़न इस सबसे जुड़ा हो अब आप कोई भी एक्सप्रेशन लिखेंगे देखिए मैंने यहां पे लिखा टू एक्सर प्लस फोर एक्स प्लस 5. अब देखिए एक्स वेरिएबल क्या है इसके अंदर एक्स वेरिएबल है इसके अंदर है, है कॉन्स्टेंट क्या है फाइव कॉन्स्टेंट भी एड हो रहा है है ना और अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी है अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मीन साइन से भी आ रहा है ये प्लस माइनस जो भी है इसके अंदर दोनों प्लस आ रहे हैं तो मीन्स इसके अंदर प्लस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी फॉलो है तो ये क्या है हमारी पोलिनोमियल क्या है हमारी पोलिनोमियल अब मैं बता देती हूँ कुछ बेसिक सा है वो आप पढ़ चुके हैं फिर भी आप एक बार रिकॉल कर लीजिए क्या है कि ये हमारी जो अलजैब्रिक स्ट्रक्चर से डिफर करती हैं जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी हुई हैं वो हमारी क्या होती है टर्म्स ये भी हमारी एक टर्म है ये भी हमारी एक टर्म है और ये भी हमारी एक

कोई भी पोलिनोमियल लीजिए पोलिनोमिल की जो हाइएस्ट वेरिएबल की जो हाइएस्ट पावर होती है वो क्या होती है पोलिनोमिल की डिग्री होती है इन एनी पोलिनोमियल द हाइएस्ट पावर जो हाइएस्ट पावर होगी द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो हाइएस्ट पावर की हो जो हाइएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो क्या हो जाएगी पोलिनोमिल की डिग्री हो जाएगी क्या हो जाएगी वो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल डिग्री क्या होगी पोलिनोमियल की द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जैसे एग्जाम्पल देखिए एक्स ए पावर फोर माइनस एक्स क्यू प्लस एक्सर प्लस एक्स प्लस अब देखिए इसमें हाइएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की फोर है तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी फ्रेंड्स फोर हो जाएगी क्या हो जाएगी इस पोलिनोम की डिग्री फोर अब हम बात करते हैं लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है लीनियर पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोम

यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट कितनी है वन है तो इट मीन्स ये क्या हुआ हमारी लीनियर पोलिनोमियल के एग्जाम्पल हुए क्या हुए हमारे लीनियर पोलिनोमियल के वेरिएबल की हाइएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए वन होनी चाहिए ठीक है फ्रेंड्स कॉन्स्टेंट जीरो भी हो सकती है इसको हम ये भी अगर हमारे पास ये है सिर्फ फोर जेड है तो ये भी कैसी पोलिनोमियल है हमारी लीनियर पोलिनोमियल है कैसी पोलिनोमियल है लीनियर पोलिनोमियल अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है जिसमें डिग्री कितनी हो डिग्री कितनी हो टू अब डिग्री टू का मतलब क्या है वेरिएबल की हाइएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए उसमें टू होनी चाहिए वेरिएबल की हाइएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए टू जैसे मैं यहाँ पे आपको जर्नल लिख के दिखा देती हूँ जो जनरल एक्सप्रेशन जो जनरल पोलिनोमियल हम यूज करते हैं वेरिएबल वेरिएबल के अंदर डिग्री टू की तो ये हमारी जनरल पोलिनोमियल जिसको हम हमेशा यूज करते हैं ए एक्स केयर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ पे ए बी सी कुछ भी हो सकता है बस ए जीरो नहीं होना चाहिए ए क्या नहीं होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए ऐसे ही जनरल लीनियर इक्वेशन क्या होती है हमारी ए एक्स प्लस बी ये हमारी लीनियर पोलिनोमियल पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम फ्रेंड्स इक्वेशन की नहीं इक्वेशन हो जाएगी तो वहाँ पर इक्वल टू जीरो लग जाएगा ठीक है और ये हमारी क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अब लीनियर पोलिनोमियल में भी क्या नहीं होना चाहिए एक्स का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में एक्सकेयर का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए बाकी कोई भी जीरो हो सकता है इसमें ऐसे ही एक्स का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए बाकी कुछ भी जीरो हो सकता है अब यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए तो ये हमारी कैसी पॉलीनोमियल है क्वाड्रेटिक तो एग्जाम्पल देख लीजिए ये जैसे माइनस का एक्सकेर है और प्लस का सेवन है तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट जीरो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा बस एक्स केयर का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए तो कैसी पॉलीनोमियल है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैसी पॉलीनोमियल है आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोम अब बात करते हैं क्यूबिक क्या होती है क्यूबिक पोलिनोम जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है क्यूबिक क्यूब क्या होता है पावर कितनी होती है थ्री यानी कि ऐसी जिसमें डिग्री कितनी हो थ्री हो जिसमें डिग्री कितनी हो थ्री जैसे एग्जाम्पल देखिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स्यूर प्लस सी एक्स प्लस डी अब इसमें क्या जीरो नहीं होना चाहिए एक्स क्यूब काफिशियंट एक्स क्यूब क्या एक्स क्यूब काफिशियंट क्या है यहाँ पे ए है तो ए क्या नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स यहां पे जीरो नहीं होना चाहिए तो ये कैसी पोलिनोमियल है आपकी क्यूबिक पोलिनोमियल है कैसी पोलिनोमियल है आपकी क्यूबिक पोलिनोमियल है तो हमने डिस्कस कर लिया लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है क्वाडिटिक पोलिनोमियल क्या होती है और हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होती है ठीक है फ्रेंड्स चलिए क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल भी राइट कर देते हैं हम देखिए मान लीजिए आपके पास ये है फोर एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्केर माइनस फाइव एक्स प्लस ये कैसी पोलिनोमियल है आपकी क्यूबिक पोलिनोमियल यहाँ पे सिर्फ फोर जीरो नहीं होना चाहिए एक्स क्यूब का कॉपिशन नहीं जीरो नहीं होना चाहिए बाकी ये कोई भी टर्म आपकी क्या हो सकती है ज़ीरो हो सकती है कोई भी टर्म आपकी ज़ीरो हो सकती है सिवाय एक्स क्यूब के कॉपीशन ठीक है फ्रेंड्स चलिए अब हम कुछ रिजल्ट की बात करते हैं कि आपकी एक्सरसाइज हम दो कंप्लीट कर लेंगे देखिए एक्सरसाइज़ हम फिलहाल कर रहे हैं एक्सरसाइज टू पॉइंट वन के कुछ क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है हमारा कि कोई भी आपको पोलिनोमियल दिया होगा चाहे वो लीनियर है या वो क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है हमें नहीं पता वो क्या पोलिनोमियल बस आपको ग्राफ से बताना है कि उसके जीरोस क्या होंगे अब जीरोस क्या होते हैं या रूट क्या होते हैं किसी भी पोलिनोमियल के जीरोस बोलो या फिर रूट बोलो तो पोलिनोमियल के ज़ीरो रूट क्या होते हैं जो उस पोलिनोमियल को क्या करे सेटिस्फाई करे जो उस पोलिनोमियल को क्या करे सेटिस्फाई करे जैसे देखिए हमारा जनरल ये एग्जाम्पल मान लीजिए फाइव एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो नहीं ये तो इक्वेशन बन जाएगी फाइव एक्स प्लस फाइव आपको बताना है कि इस पोलिनोमियल का जीरो क्या है इस पोलिनोमियल का जीरो क्या है या इस पोलिनोमियल का रूट क्या है और कितना होगा सबसे पहले अगर हमारी पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल है उसकी हाइएस्ट पावर कितनी है वन है तो उसका कितना जीरो बनेंगे वन जीरो बनेंगे जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी ना उसके उतने ही जीरोज होंगे अगर फाडेटिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरो होंगे टू जीरोज होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके कितने जीरोज होंगे थ्री जीरोज देन फोर पावर की हमारी पॉलिनोमियल है तो उसमें कितने जीरोज होंगे फोर जीरोज होंगे यानी कि उसके रूट उतने ही होंगे अब इसका रूट हम कैसे निकालेंगे किसी का भी जीरो निकालना है तो उसको इक्वल टू जीरो पुट कर और रूट ऑफ फाइव एक्स प्लस फाइव तो आपको किसी भी पोलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना हो रूट फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे करेंगे उसको इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए वहां पे आपका क्या निकल जाएगा उसका

हमें कुछ नहीं दे रखा ना हमें ये पता है वो क्यूबिक पोलिनोमियल है ना हमें ये पता है वो लीनियर है हमें सिर्फ ग्राफ दिया हुआ है क्या दिया हुआ है हमें सिर्फ ग्राफ दिया हुआ है तो अगर हम बात करें एक्स पोलिनोमियल इन एक्स अगर एक्स में कोई भी पोलिनोमियल दी हुई है तो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है जहाँ पर ये एक्स एक्सिस होती है ये वाई एक्सिस ये माइनस एक्स एक्सिस ये माइनस वाई यहाँ पर नीचे कोर्डीनेट सारे माइनस के आएंगे यहाँ पर ऊपर वाई में पॉजिटिव यहाँ पर वाई नेगेटिव यहाँ पर वाई एक्स हमारा पॉजिटिव ठीक है फ्रेंड्स अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा ग्राफ को देखते ही कि इस पोलिनोमियल के या फिर इस जो भी हमारी पोलिनोमियल है पी एक्स हमें कुछ नहीं दिया हुआ बस हमें यह दिखा हुआ है कि ये उसका ग्राफ बना हुआ है इस पोलिनोमियल के रूट बताइए आप कितने होंगे जीरोज बताइए कितने होंगे जितने पॉइंट्स पे जितने पॉइंट्स पे कोई भी कर्व या कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को टच करेगी वो उसके क्या निकल आएंगे जीरोज निकल आएंगे जितने पॉइंट्स पे नंबर ऑफ पॉइंट्स अ टक्स एक्सीज क्योंकि पोलिनोमियल किस में है एक्स में है पोलिनोमियल किस में है एक्स में है तो कोई भी पोलिनोमियल जितने पॉइंट्स पे टच करेगी उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि उसके जीरोज कितने है? अब देखिए जनरली मैं बना के दिखा देती हूँ मान लीजिए यहां पर यह तो वाई एक्सीज है ना एक्स एक्सिस पे तो कहीं भी टच नहीं कर रही है ये तो इसका मतलब इस इस इक्वेशन इस पोलिनोमियल के कितने जीरोज़ होंगे ये कोई भी पी एक्स है हमारी मुझे नहीं पता क्या नाम है इसका तो इस पोलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे कोई जीरोज़ नहीं होगा इसके कितने ज़ीरो होंगे जीरो zero जीरोज़ होंगे क्या जीरो होंगे इसके ज़ीरो रूट होंगे अब मान लीजिए मैंने अब ऐसे बना दी देखिए मैंने अब ऐसी एक कोई पोलिनोमियल थी और उसको मैंने इसमें बना दिया है ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया है ये कोई भी पी एक्स थी ठीक है फ्रेंड तो ये कितने कितने पॉइंट पे टच करिए एक्स एक्सिस को वन पॉइंट पे टच है कितने पॉइंट पे वन पॉइंट पे टच कर रही है तो इसका मतलब इसके कितने जीरोज हैं वन जीरोज हैं कितने जीरोज हैं इसके वन जीरोज हैं देखिए कुछ और ग्राफ बनाते हैं हम कुछ और ग्राफ बनाते हैं हम हमारे क्या है मान लीजिए ये कोई भी कर्व है अब ये कर्व एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है वन टू थ्री तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे थ्री ज़ीरोज़ होंगे कितने ज़ीरोज़ होंगे थ्री ज़ीरोज़ होंगे आया समझ आपको अब दूसरी कर्व मान लीजिए एक और बना के दिखा देती हूँ मैं आपको अब देखिए फ्रेंड्स एक्स एक्सिसन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे आई होप आपको ग्राफिकली समझ आया होगा कि कैसे हमें जीरो फाइंड आउट करने हैं और कैसे हमें पता चलेगा उसके कितने जीरोस होंगे ठीक है फ्रेंड चलिए अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन कि अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोम दी हुई है उससे आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं फिर जीरोस का रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करना है कि जीरोस में क्या रिलेशनशिप होता है ठीक है तो ये देखिए आपकी कोई भी क्वाड्रेटिक है A x square plus b x plus C. सबसे पहले लीनियर की बात कर लेते हैं इसकी हम बाद में करेंगे वी विल डू इट ऑन लेटर मान लीजिए आपको इसका जीरोज फाइंड आउट करना है तो इसका जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको क्या इक्वल टू रख देते हैं हम जीरो रख देते हैं ये पोलिनोम से हमने क्या बना दी इक्वेशन बना दी तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से माइनस बी बाय ए एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आगी माइनस बी बाय तो लीनियर इक्वेशन में लीनियर पोलिनोमियल में लीनियर पोलिनोमियल से हमने क्या बना दी इक्वेशन बना दी अब लीनियर पोलिनोमियल के हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो उसका क्या फॉर्मूला है यहाँ से क्या निकल के आया माइनस बी बाय माइनस बी क्या है तो क्या बना है यहाँ जीरो क्या निकल के आया क्योंकि लीनियर है तो एक ही जीरो बनेगा तो इसका जीरो रूट क्या हो गया इसका फ्रेंड यहां पे माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म कॉन्स्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स को ऑफ एक्स सबसे ऊपर क्या लिखना है हमने माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय किसका कोफिशिएंट एक्स का जो फिशियंट होगा इसी तरीके से इसी तरीके से हमें क्वारेटिक के जीरोज़ या रूट निकालने वो क्या निकलेंगे देखिए फ्रेंड्स मैं सीधा बता देती हूं आपको क्या निकलेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे ये आएंगे अगर हम जनरली देखें यहां से दो चीजें निकल के आती है किसी भी क्वारेटिक से सम ऑफ द रूट्स सम रूट्स तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा आपने यहां पे साइन लगाते जाना है ये प्लस ये माइनस और ये प्लस तो सम ऑफ द रूट क्या होगा आपका माइनस बी बाय ए माइनस बी बाय ए बायस इसे नेक्स्ट वाला उठा दे जाइए बस वहाँ पे साइन चेंज करते जाइए प्लस माइनस प्लस किया है ना आपने तो सम ऑफ़ द रूट्स इसके कोई भी दो रूट होंगे मान लीजिए एक रूट है इसका अल्फा और एक रूट है बीटा तो उन दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपका माइनस बी बाय ए यह तो हमारा पहला है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जैसे हमने लीनियर में निकाला है ना वैसे ही हम इसको निकाल के भी दिखा सकते हैं लेकिन इसका कहीं यूज नहीं है प्रूफ का तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट करवा रही हूं ठीक है तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट जिसको हम क्या भी बोल देते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा सी बाय सी के साथ वाला साइन ले लेना है सी के साथ में जो भी साइन है वो ले, ले लेंगे आप एज इट इज और ऊपर आपने अपनी तरफ से प्लस माइनस प्लस लगाना है अगर ये माइनस माइनस है तो आपने ऊपर वाले साइन से इनको क्या कर देना है चेंज कर देना है तो इसका क्या आएगा सी बाय ए अब आपको अगर वो ये बोल दे कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी हुई है उसके जीरोज फाइंड आउट करो और आप रिलेशनशिप वेरीफाई करो कि जीरोज में और कॉफिशेंट में क्या रिलेशन होता है अब ये तो क्या है हमारे कोफिशियंट है ना कोफिशियंट है और ये भी हमारे क्या है सी बी कॉफिशियंट ए बी कॉफिशियंट बी भी कॉफिशेंट ये सी कॉन्स्टेंट है बी किसका कोफिशियंट है एक्स का कोफिशियंट a किसका कोफिशियंट है एक्स केयर का कोफिशियंट तो अगर वो बोले कि वेरीफाई कीजिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशेंट तो सबसे पहले तो आप क्या निकाल देंगे वहां से जीरोज निकाल देंगे जीरोज हम कैसे निकालते हैं किसी के भी उसको हम क्या बना देते हैं इक्वेशन बना देते हैं इज इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं हम जीरो पुट कर देते तो वहां से क्या निकल जाएंगे जीरोज निकल जाएंगे फिर हम कहाँ से जीरो निकालेंगे यहां से जीरोज निकालेंगे कॉफिशियंट की हेल्प से अगर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं हमारा क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा देखिए एक दो क्वेश्चन करते हैं आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगा फिर एक्सरसाइज टू पॉइंट टू पे आगे हम हम गाइज एक्सरसाइज टू पॉइंट टू के क्वेश्चन कुछ कर रहे हैं हम अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज टू पॉइंट टू के क्वेश्चन ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज टू पॉइंट टू में क्या है हमारा ये दिया हुआ है एक्सकेयर माइनस टू एक्स माइनस एट एक्सकेयर माइनस टू एक्स माइनस एट एक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इसको जीरोस फाइंड आउट करने हैं फाइंड जीरोस देन रिलेशनशिप बिटवीन बताना है देन रिलेशन बता, बताना है कि जीरोस और कॉफिशेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है तो रिलेशन हम बाद में यूज करेंगे पहले हम क्या करते हैं यहां से जीरोस फाइंड आउट करते हैं अपने तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है टू फाइंड आउट जीरोस

x कॉमन आ रहा है तो x माइनस फोर यहाँ से टू कॉमन आ रहा है फिर से x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से क्या निकल के आया फ्रेंड आपका x प्लस टू और x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो यानी कि यहाँ से x की वैल्यू एक तो क्या आई माइनस टू और एक क्या आई x की वैल्यू फोर यानी कि दो जीरो निकल गए आपके क्या क्या निकले एक तो निकला माइनस टू और एक क्या निकला आपका फोर एक तो निकला माइनस टू और एक क्या निकला फोर इनको आप नाम दे दीजिए कोई भी मान लीजिए एक का नाम अल्फा है और एक का नाम क्या है बीटा लेट अल्फा एंड बीटा बी क्या है हमारी इक्वेशन 2x एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो तो अब इक्वेशन माने की जरूरत नहीं है अब इसको पोलिनोम ओफ दोलिनोम एक्सकेर माइनस टू एक्स माइनस एट तो क्या अल्फा की वैल्यू कितनी आई है माइनस टू बीटा की वैल्यू कितनी आई है फोर तो यहाँ पे राइट कर देंगे हम सो दिस इंप्लाइज अल्फा इज माइनस टू एंड बीटा इज फोर ये हमारे जीरोस निकल गए हैं सिंपली जो हम नॉर्मल मेथड यूज करते हैं एट क्लास में यूज करते हैं वो वाले मेथड से हमने जीरोस निकाल लिए अब हम रिलेशनशिप भी निकालेंगे अब क्या कहता है रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस क्या होता है सम ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है -b/a -b/a अब इसको कंपेयर कीजिए फ्रेंड्स इक्वेशन को कंपेयरिंग कंपेयरिंग x2 2x minus 8 विथ ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ से निकालेंगे तो ए कितना आ जाएगा वन बी कितना आ जाएगा माइनस टू और सी कितना आ जाएगा माइनस एट तो निकालिए सम ऑफ जीरोस माइनस बी वाई है ना तो माइनस बी पहले ही बी माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ए कितना है यहाँ पे वन तो जीरोस कितना आया टू जीरोस कितना आया टू अब आप यहाँ से भी कीजिए सम ऑफ जीरोस यहाँ से भी कीजिए देन अल्फा प्लस बीटा वहां से कितना आया माइनस टू प्लस फोर ये भी कितना आया टू आया और किसके इक्वल आया ये माइनस बी बाई ए के तो यानी कि वेरीफाई हो गया या नहीं हो गया आपने कोफिशेंट से निकाला तो भी आपका टू आया और आपने नॉर्मल जो जनरल मैथड करते हैं वहां से भी हमारा क्या आया टू आया अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला होता है क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड माइनस सी बाय ए तो माइनस सी माइनस माइनस

तो यहाँ से कीजिए फ्रेंड मल्टीप्लाई अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट है ना ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा यहाँ से माइनस टू मल्टीप्लाई फोर कितना आ गया एट एट ही यहाँ से आया है आपने जब नॉर्मल जीरोज निकालते वहाँ से भी एट आया है और जो कोफिशेंट की हेल्प से आपने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज निकाला है वहाँ से भी एट आया ऐसे ही आपने सम ऑफ ज़ीरोज़ जो हम नॉर्मल मैथड यूज़ करते हैं जिसको हम क्या भी बोलते हैं फैक्टोराइजेशन मैथड वहाँ से हमने निकाला तो वहाँ से क्या आया हमारा सम ऑफ जीरोज़ 2 आया और अगर हम एक कोफिशिएंट को कंपेयर करके निकाला तो वहाँ से भी क्या आया 2 आया इट मींस हमारा रिलेशनशिप क्या हो गया है वेरीफाई हो गया किस-किस के बीच में सम ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ जीरोज के बीच में एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसका क्या करते हैं हम देखिए मान लीजिए आपके पास ये दिया हुआ है t2 15 टी स्केयर माइनस फिफ्टीन तो इसके अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे चलो सबसे पहले हम इसके कॉफिशियन को कंपेयर करके निकाल लेते हैं ठीक है सो कंपेयरिंग पॉलिनोम विथ ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी तो यहां से आप टी में है तो टी में कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ए टी स्केयर प्लस बी टी प्लस सी मैंने बताया था ना वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी कंपेयर करेंगे तो ए कितना आ जाएगा वन अब बी टी का तो कोई भी वे टी का तो कोई कॉफिशन नहीं है ना टी तो खुद ही जीरो है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बी कितना आ जाएगा जीरो और सी यहाँ पे और यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा माइनस फिफ्टीन कितना आएगा माइनस फिफ्टीन तो इसके जीरोज हम मान लेते हैं क्या है इसके, है? इसके जीरो लेट अल्फा एंड बीटा बी दीरोज ऑफ अल्फा एंड बीटा बी दीरोज ऑफ टी स्केर माइनस फिफ्टीन इसके जीरोस क्या है हमारे अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज है ठीक है फ्रेंड तो सम ऑफ क्या क्या होता है सम ऑफ यानी कि आया अल्फा प्लस बीटा कोफिशेंट को कंपेयर कर रहे हैं हम ठीक है अभी हमने जनरली जो फैक्टराइजेशन मैथड से नहीं किया है तो सम ऑफ समीरोज क्या होता है माइनस बी बाय ए अब बी तो यहाँ पे जीरो है ना फ्रेंड तो जीरो बाय कुछ भी कर लो क्या आना है आपका जीरो ही आना है फिर हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ ये क्या होगा अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा टू बीटा क्या हो जाएगा सी बाए अब सी तो कितना है माइनस फिफ्टीन और ए कितना है वन तो कितना आया आपके पास माइनस फिफ्टीन आया ये तो हमने किससे निकाला कॉफिशियंट मैथड से किस मैथड से निकाला कंपेयरिंग द कॉफिशियंट अब हम करते हैं जनरली मैथड से तो टी स्केयर माइनस फिफ्टीन के जीरो निकालने तो इसको क्या पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा टी स्केर इज इक्वल टू फिफ्टीन टी स्केर इज इक्ल टू फिफ्टीन तो टी स्केयर तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 15 को हम क्या राइट कर सकते हैं प्लस माइनस रूट फिफ्टीन का स्केयर कर सकते हैं ना बिकॉज माइनस का स्केर भी क्या होता है प्लस और प्लस का स्केयर भी क्या होता है प्लस तो ये रूट क्या हो जाएगा स्केयर से रूट कैंसिल स्केयर से रूट कैंसिल तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस स्केयर रूट फिफ्टीन क्या हो जाएगी, जाएगी यहाँ से स्केयर से स्केयर कैंसिल कर देंगे सॉरी फ्रेंड यहाँ से स्केयर से स्केर नहीं ये वाला

सम ऑफ जीरोस करेंगे तो क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अब ये अल्फा कितना है 15 स्केयर रूट फिफ्टीन और बीटा कितना है माइनस स्केयर रूट फिफ्टीन अब ये प्लस का ये माइनस का कट के कितना आ जाएगा जीरो वहाँ से आपने निकाला था क्या आया था यहाँ से जीरो आया था ना इसको इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए इसको टू मान लीजिए इसको थ्री मान लीजिए तो कंपेयरिंग वन एंड थ्री वन एंड थ्री को आपने कंपेयर किया तो क्या आ गया सम ऑफ़ ज़ीरोज इज़ इक्वल टू सम ऑफ मींस हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया ना अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा तो स्केयर रूट फिफ्टीन मल्टीप्लाई माइनस ऑफ स्केर रूट फिफ्टीन तो मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केयर रूट फिफ्टीन से स्केयर रूट स्केयर से स्केयर कैंसिल हो ऐसे कर लीजिए स्केयर रूट फिफ्टीन का क्योंकि यहां तो माइनस है ना तो माइनस तो बाहर निकल जाएगा रूट से फिफ्टीन कट जाएगा तो कितना आ गया -15. तो इसको इक्वेशन नंबर और को कंपेयर करेंगे तो यहां से भी माइनस फिफ्टीन आया तो इट मीन क्या निकल के आ गया हमारे पास क्या निकल के आ गया हमारे पास कि जीरोज भी हमने निकाल लिए और उनको हमने रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर लिया किसके साथ कोफिशेंट के साथ ठीक है अब अगर आपको जीरोज दे रखे हैं अब अगर आपको जीरो दे रखे हैं और उससे क्या निकालना है आपको क्या निकालना है उससे आपको पोलिनोमियल तो कैसे निकालेंगे इसका सिंपल सा मेथड मैथड करवासी वैसे बहुत सारे मेथड होते हैं लेकिन मैं आपको ऐसा इजी मेथड करवाऊंगी आप मिनटों में कर लेंगे ठीक है तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है जीरो एंड रूट फाइव आपको दिया हुआ है कि एक पोलिनोमियल बनाइए जिसके सम ऑफ जीरो दिया हुआ है जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है रूट बहुत सारे बच्चे इसी क्वेश्चन को बोलते हैं कि मैम ये वाला क्वेश्चन करवा दो ये वाला नहीं हुआ ठीक है क्योंकि वो जीरो को देख के पहले ही डर जाते हैं तो ये वाला क्वेश्चन ही कम कर लेते हैं तो हमें पता है कि हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है लेट क्वाड्रेटिक पोलिनोम इज पोलोमियल इज एक्स केयर प्लस बी एक्स प्लस सी ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोम अब हमें पता है कि इसके सम ऑफ जीरो क्या होते हैं तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है फॉर्मूला फ्रेंड्स माइनस बी बाई ए अब सम ऑफ जीरोस तो हमें दिया हुआ है ना कितना दिया हुआ है जीरो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है जीरो तो इसको जीरो लिख देंगे हम बाय में बाद में लिखेंगे क्या लिखना है वो डिसाइड करेंगे अब प्रोडक्ट ऑफ का क्या फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है जीरो सी बाय कितना दिया हुआ है ये स्केरूट फाइव दिया हुआ स्केर रूट फाइव अब हमें कहां से डिसाइड होगा कि इसके नीचे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है अब देखिए स्के रूट फाइव को हम क्या लिख सकते हैं स्केर रूट फाइव बाय वन कोई प्रॉब्लम नहीं है अब यहाँ पे ए अगर वन है तो यहाँ पे भी ए वन होना चाहिए ना दोनों जगह सेम होना चाहिए ए तो, तो, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे यहाँ पे वन अब आप कंपेयर कर लीजिए कोफ़िशंट ए कितना आया यहाँ से वन यहाँ से भी ए कितना आया वन सी की वैल्यू कितनी आई यहाँ से फ्रेंड स्केयर रूट फाइव और बी की वैल्यू क्या आई यहाँ से जीरो बी की वैल्यू क्या आई यहाँ से जीरो बस यहाँ पे पुट कर दीजिए आपकी क्या आ जाएगी क्वाड्रेटिक पोलिन है ना इजी मेथड नहीं तो क्या करवाते हैं आप पहले एक्सकेयर लिखिए फिर माइनस का सम ऑफ द रूट फिर आप क्या करेंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट आप ऐसे भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आप जैसा मन चाहे आप वैसे कर सकते हैं ठीक है वो भी मैं करवा देती हूँ आपको जो इजी लगे वो कर लेना ठीक है अब इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे तो क्या है ए की वैल्यू क्या है वन ना तो वन एक्सकेयर अब बी तो क्या है हमारा ज़ीरो तो इसको लिखो चाहे ना लिखो चलो एक बार लिख देती हूँ मेरे सी की वैल्यू क्या है स्केयर रूट फाइव तो आपका क्या आंसर आ जाएगा रूट फाइव ये आपकी क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी, friend, से आपकी? इसका एक मेथड हो रहा है तो अगर आपको सम ऑफ जीरो पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोम क्या होती है पोलिनोम क्या होती है हमारी क्या होती है हमारी एक्सकेयर माइनस सम ऑफ जीरोज ये सिंपल फॉर्मूला लर्न कर लीजिए उसमें आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें आपको बेसिक कंसेप्ट लगाना है सम ऑफ़ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अब देखिए फ्रेंड सम ऑफ जीरोज तो ज़ीरो था तो यहाँ पे जीरो इंटू एक्स हो गया अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना था उसके रूट फाइव है तो यहाँ से सिंपली निकल के आ जाएगी ये आपकी इक्वेशन ये तो आई आई आपकी एक पोलिनोमियल ये तो आई आपकी एक पोलिनोमियल अगर आपको बहुत सारी पोलिनोमियल निकालनी है तो आप कोई भी कॉफिशेंट के मान सकते हैं सो फॉर एनी क्वारेटिक पोलिनोमियल लेट के बी एनी रियल नंबर तो इससे क्वाड्रेटिक पोलिनोम क्या आ जाएगी इसको सिर्फ हम के से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हमारी क्या बन जाएगी कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगी अब ये तो हमारी जनरल निकल के आई एक क्वाड्रेटिक पोलोमिल निकल के आई है तो इससे बहुत सारी क्वाड्रेटिक पोलोमिल बना सकते हैं ये आप लिख भी सकते हैं ये आप स्किप भी कर सकते हैं मैं तो वैसे इसको स्किप करना ही पसंद करती हूँ यहाँ तक आप क्वेश्चन निकाल के छोड़ दीजिए तो ये आपका जनरल क्वेश्चन होता है चलिए एक क्वेश्चन ओट कर देते हैं लास्ट में क्योंकि के की वैल्यू वन पुट करेंगे टू पुट करेंगे तो के हमारा बाहर निकल जाता है वो एज अ कॉन्स्टेंट हम यूज करते हैं ठीक है तो उसका कहीं यूज नहीं होता है जनली अब जब हम उसके जीरोज निकालने जाएंगे तो इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो वो कॉन्स्टेंट दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है डिवाइड में क्या बना देता है उसको फिर से ज़ीरो बना देता है तो हम उसको छोड़ना ही प्रेफर करते हैं ठीक है चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए फ्रेंड क्या है हमारा फोर एंड वन चलिए फर्स्ट वाला देख लीजिए वन बाई फोर एंड वन सम कितना दिया हुआ है वन बाई फोर और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है यहाँ से माइनस वन अब सम क्या होता है क्वाड्रेटिक बोलने में अब तो सीधा लिख दूँ ना मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सम क्या होता है माइनस बी बाय और प्रोडक्ट क्या होता है सी बाय यहाँ से कंपेयर कर लीजिए फ्रेंड्स और इक्वेशन में पुट कर दीजिए अब देखिए अब यहाँ पे ए की वैल्यू फोर है तो यहाँ भी तो हमें फोर बनाना पड़ेगा ना लेकिन यहाँ तो क्या है माइनस वन है तो फोर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए फोर से नीचे मल्टीप्लाई तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं माइनस फोर बाय फोर बस अब कंपेयर कर दीजिए आप ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई फोर c की वैल्यू क्या आई फ्रेंड माइनस फोर और माइनस बी की वैल्यू वन है ध्यान रखना माइनस बी क्या है वन तो बी कितना हो जाएगा माइनस वन बी कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस वन बस पुट कर दीजिए आप पॉलिनोमियल में तो क्या आ जाएगा ए की वैल्यू फोर है तो फोर एक्स की बी की वैल्यू माइनस वन है तो माइनस एक्स और सी की वैल्यू हमारी माइनस फोर है तो माइनस फोर ये हमारी क्या बन जाएगी फ्रेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो एक्सरसाइज हमने 2.1 भी कंप्लीट कर लिए 2.2 के भी हमने क्वेश्चन किए हैं तो आप क्वेश्चन ट्राई करके देखना फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ मैम करवा दीजिए हम उसको डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे सो so, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स भी पढ़ सके सो बाय बाय गाईज टेक केयर बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड So thanks for watching guys. See you in the next video.